जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। द हिंदू में रोज़ एक ऐसी टर्म आती है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी ही टर्म के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सोशोलॉजी में वेस्टरमार्क इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब आपने मूवीज़ में देखा होगा, जो हीरो और हीरोइन होते हैं वो आपस में मिलते हैं, क्लोज़ कांटेक्ट होता है उन दोनों के बीच में, और फिर उन्हें प्यार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वेस्टरमार्क इफ़ेक्ट में हमें कुछ और देखने को मिलता है। मतलब जो पार्टनर्स होते हैं, जो अपने लाइफ के इनिशियल फेज़ में क्लोज़ कांटेक्ट में होते हैं, वो एक दूसरे के लिए रिवर्स सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग ऐसी उनके बीच में हो जाती है। मतलब एक दूसरे के लिए सेक्सुअली डिसेंसिटाइज्ड फील करना वो शुरू कर देते हैं। उसे हम कहते हैं वेस्टरमार्क इफ़ेक्ट। एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कर, सोशोलॉजी में वेस्टरमार्क इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है, तो इसे रिवर्स सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग भी कहते हैं। ये रेफर करता है एक ऐसी साइंटिफिक हाइपोथेसिस, एक ऐसी स्टेट जिसमें जो लोग होते हैं या फिर जो पार्टनर होते हैं वो अपने पार्टनर के लिए सेक्सुअली डिसेंसिटाइज्ड फील करना शुरू करते हैं, जिनके साथ वो क्लोज कांटेक्ट में होते हैं अपने लाइफ के इनिशियल पीरियड्स, तो इसे हम वेस्टरमार्क इफ़ेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो लड़का है और ये जो लड़की है, अब सपोज़ ऐसा हमने कई कल्चर्स में देखा है जहाँ पर जो रिलेटिव्स होते हैं उनके बीच में शादियाँ होती है। अब यहाँ पर जब शादी इन दोनों के बीच में हो रही है, लेकिन एज ए रिलेटिव्स है तो बचपन से दोनों ही साथ में रहे हैं, मतलब बचपन से ही दोनों में कॉन्टैक्ट जो है वो रहा है। अब ऐसे केस में जब इन दोनों के बीच में शादी हो जाती है, तब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के लिए सेक्सुअली डिसेंसिटाइज्ड फील करना शुरू करते हैं, जहाँ एक रिवर्स सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग जैसी एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है, और इसे हम वेस्टरमार्क इफ़ेक्ट कहते हैं। मतलब ये जो नाम है ये किसने दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो एडवर्ड वेस्टरमार्क है उन्होंने ये नाम दिया हुआ है। 1891 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, उसमें उन्होंने इस टर्म का मेंशन किया था। अभी जो वेस्टरमार्क इफेक्ट है इज़ यूज्ड एज अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई इंसेस्ट। अब यहाँ पर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, उनके बीच में जो शादियाँ होती है, क्योंकि ऐसी भी सोसाइटीज़ है, ऐसी भी कम्युनिटीज़ है जहाँ पर जो रिलेटिव्स होते हैं, क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, उनके बीच में शादियां होती है। तो ये जो टर्म है ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है जो ये दर्शाता है, जो ये बताता है कि क्यों जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उनके बीच में शादियां नहीं होनी चाहिए, एक टैबू रहना चाहिए, मतलब एक रिस्ट्रिक्शन रहना चाहिए जहाँ पर जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उनके बीच में शादी ना हो। क्योंकि अगर क्लोज रिलेटिव्स के बीच में शादी होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा था कि ये दोनों रिलेटिव्स हैं एक दूसरे के, हम कज़िन इन्हें कंसिडर करते हैं, तो ऐसे भी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर जो कज़िन्स होते हैं उनके बीच में भी शादियाँ होती है। तो यहाँ पर अगर वो कज़िन है तो यहाँ पर ये बचपन से ही क्लोज़ कॉन्टैक्ट में है। अब बचपन से ही क्लोज़ कॉन्टैक्ट में रहने की वजह से यहाँ पर वेस्टरमार्क इफ़ेक्ट होता है, और ये एक दूसरे के लिए सेक्सुअली इनसेंसिटाइज्ड फील करना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। या फिर हो सकता है कोई एक पार्टनर यहाँ पर सेक्सुअली इनसेंसिटाइज्ड फील करना शुरू करते दूसरे पार्टनर के लिए, और इसे हम वेस्टरमार्क इफ़ेक्ट कहते हैं। अब हमने कई ऐसे कल्चर्स हैं जहाँ पर फर्स्ट कज़िन मैरिज जो है वो होते हुए देखते हैं हम, तो कई ऐसे कल्चर्स हैं जहाँ पर फर्स्ट कज़िन मैरिज होती है, तो वो ऐसे आर्ग्यूव करते हैं कि जो बाकी कल्चरल फैक्टर्स होते हैं ये जो वेस्टरमार्क इफ़ेक्ट हो रहा है इसे नलीफाई या फिर इसे ऑफसेट करने में मदद करता है। तो यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट भी निकल कर आती है कि फर्स्ट कज़िन मैरिज में जो बाकी कल्चरल फैक्टर्स हैं ये ऑफसेट कर देंगे जो भी इन्फ्लुएंस रहेगा ये वेस्टरमार्क इफ़ेक्ट का। तो इस तरीके से हमने जो वेस्टरमार्क इफ़ेक्ट है ये समझ लिया है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।